जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अंचल सोनकर के नेतृत्व में जेल गेट के सामने धरने पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का आरोप है कि एनआरसी और सीए के विरोध के नाम पर रद्दी चौकी के गाजीबाग में नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ के धरना प्रदर्शन की वजह से लोगों को सड़क पर आने जाने में भी परेशानियां हो रही हैं। एनआरसी और सीए के समर्थन और विरोध में पूरे जिले में आंदोलन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमलनाथ की प्रदेश सरकार पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ सरकार एनआरसी और सीए का विरोध करने वालों का समर्थन कर रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। जबलपुर में लगातार एक संप्रदाय विशेष के द्वारा रद्दी चौकी में लोगों को रोका जा रहा है। बच्चों की स्कूलें जो वैन से जा रही उनको रोक कर उनको परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद भी जब 26 जनवरी के दिन राष्ट्रभक्त तिरंगा यात्रा लेकर निकलते हैं, उनको रोक कर उन पर पत्थर बरसाने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर रहा है और पुलिस जिस तरह से और कलेक्टर जिस तरह से जबलपुर के कांग्रेस के इशारे पे ऐसा नाच दिखा रहे हैं, ऐसा पूछ दबा के नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप कमलनाथ जी के इशारे में इतने महत्वपूर्ण ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं कलेक्टर साहब, कि आपको 3 दिन पहले से आर्यावर्त युवा विचार मंच के कार्यकर्ता जो शांति और मौन धरना करने के लिए मदन महल में परमिशन मांग रहे थे, आप उनको परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन कमलनाथ जी के दामादों को रद्दी चौकी में आप लगातार परमिट कर रहे हैं। जो लोग रास्ता रोक रहे हैं, जो लोग शंकर जी के मंदिर पर अनुसूचित जाति के जो अम्बेडकर कॉलोनी है उसके अंदर घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की, लेकिन उसके विरोध में जब हम सब लोगों ने आवाज बुलंद की तो कमलनाथ तो डरता है और पुलिस को आगे करता है, जो उनकी परंपरा है उस तरह की परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया और गुंडागर्दी की। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कल आज जबलपुर में हमने इसका विरोध किया है, कल पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो आपकी दोहरी नीति है और जिस तरह से आप संप्रदाय को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और जबलपुर की फिजा बिगाड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं, हम आपका पुरजोर विरोध करते हैं और आपकी इस पूरे जो आप कुकृत्य किए जा रहे हैं इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार हिंदुओं को टारगेट करके गिरफ्तारी कर रही है। आर्यावर्त युवा विचार मंच के लोग जो शांतिवादी तरीके से मौन प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां हुई, फिर वहां दो लोग दाढ़ी वाले खड़े थे उनको उनका सरनेम पूछ के छोड़ दिया गया, वहीं कुक्की वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे भाई योगेश अग्रवाल जो हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष हैं उनको भगवा पहनने के कारण कहाँ जा रहे, बोले मदन महल जा रहे हैं धरना में, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे करके जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार हिंदुओं को टारगेट करके गिरफ्तारियां कर रही है, अब उसका अतिकांत सुनिश्चित है। हम लोग हर एक हिंदू के घर जाएंगे और उसको जागृत करेंगे और संकल्प दिलाएंगे कि दोबारा कांग्रेस को वोट ना दे। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। बहुत ही दुखद घटना है ये और पूरे हिंदू समाज को इसे सबक लेना चाहिए। कमलनाथ सरकार का असली चेहरा जो है, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार, उसका असली चेहरा सामने आ गया है कि वो जो हिंदुओं की सरकार नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की सरकार है। आज जो है अपना रद्दी चौकी क्षेत्र में मुसलमान लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से तांडव मचा रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस अधिकारी। और यहाँ पर हम लोग 2 दिन से शांतिपूर्वक मदन महल चौक में धरने पे बैठे थे सीए के समर्थन में, और हम लोग ये मांग थी कि इन लोग जो अवैध रूप से धरने पे बैठे हैं और यहाँ पर जनता को परेशान किए जा रहे हैं, इनका धरना प्रदर्शन तुरंत बंद किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग मौन समर्थन में बैठे थे।